गाइस वेलकम बैक। तो अभी हम एग्ज़ाम देने जाने के लिए रेडी कर रहे हैं। इसके लिए मॉर्निंग में खाना खाना नहीं होता हमसे, तो मैंने यहाँ पर दूध गर्म किया है। इसके बाद मैं मैगी बना रही हूँ एंड मैंने बनाया है ब्रेड टोस्ट साथ में ऑमलेट के साथ में। तो मैं अब एग्ज़ाम देने के लिए जाने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो मैंने बहन को भी दिया दूध क्योंकि उसका बीमारी से हेल्थ बहुत डाउन हो गया है, तो मैंने उसको दूध दे दिया। दूध मैंने कहा कि दूध पियो। मैं अपने लिए फिर बना रही हूँ चाय। मैंने दूध में चाय पत्ती डाल दिया, मैं उसको बनाऊँगी चाय। और मैं पकने वाला है, इसमें मसाला डालूँगा लास्ट पर। तो देखिए स्पाइसी नूडल्स, मैं मजाक कर रही हूँ, ये मिर्चा नहीं है, ये मसाला, ये पी नूडल्स का मसाला ऐसे होता है रेड कलर का और बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ये। अभी मुझे मेरी चाय उबल रही है, चाय पीने से दिमाग की बत्ती चल जाता है। मैगी को हमें आधा कच्चा पकाना है क्योंकि ये जब हम नमा देते हैं ना तभी उसका जो स्टीम होता है ना वहाँ से पूरा वो और भी पक जाता है, इसलिए हमेशा आधा कच्चा में पकाना है। तो इट्स रेडी। सो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट है ये। हम अभी एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा क्योंकि अब इतना मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश दे रहा है, सुबह सुबह खाना भी खाने दिल नहीं करता है। तो अभी हम इसी को खा के एग्ज़ाम देने जाएगा। और सो गाइस हम आप लोग को एक बात बताना चाहता है कि किस किस को लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने गलती को छुपा कर या फिर अपने गलती को अनदेखा करके दूसरों का बारे में बात करता है, दूसरों को बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में गलतियां निकालता है, दूसरा का बारे में बात करता है और वो सोचता है कि हम ही सही है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो उन लोगों से मैं दूर ही रहना चाहती हूँ। और वो लोग भी प्लीज़ दूर रहें जो मुझे पसंद नहीं करते या फिर सिर्फ मेरा ही गलती सोचते हैं। कभी कभी खुद का भी गलती होता है और दूसरा का भी गलती होता है, लेकिन कभी कभी ये सब सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड करता है कि उस समय उसका सिचुएशन कैसा है होगा। कुछ लोग में बहुत कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन मैं नाम मेंशन करना नहीं चाहती। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा गलती नहीं है, मेरा भी गलती होता है, लेकिन भी ज़रातर मैंने ऐसा देखा है कि जो दूसरा खुद का जो गलती होता है उसको अनदेखा या फिर मतलब उसको छुपा के ना दूसरा पे ज़्यादा मतलब बोलते हैं, दूसरा के बारे में बोलते हैं, जो अच्छे से बैठ रहे हैं उनको अलग करा देते हैं, अपने लोगों के बीच में ही पूरा दुश्मनी पैदा कर देते हैं, गुस्सा पैदा कर देते हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अपने लाइफ में अपने खुद में फोकस करो और पॉजिटिवली सोच कर सबके साथ में रहो, सबकी मदद अगर हो सके तो करो, और अगर ना हो सके तो भी उनके बारे में बुराई करना छोड़ो।